स्कूलों की हालात मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट ने शीशा दिखा दिया पूरा, कितने जो टॉयलेट्स वगैरह का है सारा आपने देखा है, और एक भर्ती घोटाले के ऊपर घोटाला अब तक कितने को 30 के करीब मेरे ख्याल में पेपर लीक हो चुके हैं। शिक्षा मंत्री आते हैं वो बहुत बड़ बोले हैं, कुछ भी हमने चैलेंज किया था उनको कि आप अपने स्कूल दिखा दो, कहते थे हमारे स्कूल दिल्ली से भी अच्छे हैं, हमने कहा दिखाओ तो छुप गए जाके, बोले नहीं दिखाते। अब पता चला क्यों नहीं दिखाते, अब कोर्ट ने 5 लाख रुपए जुर्माना उनके ऊपर लगाया, बताया कि 500 से ज़्यादा स्कूलों में लड़कियों के टॉयलेट नहीं है, 1000 से ज़्यादा स्कूलों में लड़कों के टॉयलेट नहीं है, 250 स्कूलों में बिजली की व्यवस्था नहीं है, बेंच तो कहीं पे है ही नहीं, बिल्डिंग्स का बुरा हाल है, 30,000 से ज़्यादा स्टाफ की भर्ती नहीं हो रखी है, चौकीदार नहीं है, सफाई कर्मी नहीं है, स्कूलों की बुरी हालत है, हरियाणा में सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बुरी हालत है। अब पता चला कि क्यों कह रहे थे कि नहीं दिखाते हम अपने स्कूल, छुपते फिर रहे थे, तो शिक्षा मंत्रालय भी ठप पड़ा हुआ। क्या मामला? नहीं देखिए, मई मास में ये इस प्रकार का एफिडेविट दिया गया था, उसमें कुछ इस प्रकार की थी बात, लेकिन हमने उसको सारे को कम्प्लीट कर लिया। कल ही मैंने अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, लगभग जो कमियाँ थी वो सारी की सारी हमने दूर कर दी। जहाँ तक कमरे बनाने की बात है तो कमरे तो इतने एक साथ नहीं हो सकते, और उसमें एफडी ने भी कहा है कि इसमें 3 साल से 5 साल तक का एक टाइम होता है, और ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है, एकदम आप इसको पूरा कर भी नहीं सकते। तो निश्चित तौर से जो कमरों वाला है उसको छोड़ के बाकी हमने सारा कंप्लीट लगभग कंप्लीट कर लिया। 15 दिसंबर को हम एफिडेविट दे देंगे कोर्ट में। हरियाणा में स्कूलों की स्थिति को लेकर हाईकोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है, 15 दिसंबर को इस मामले में जो हरियाणा सरकार फिर एफिडेविट दर्ज करेगी, क्या ये मामला था उसको जानने के लिए प्रदीप रापड़िया जी हमारे साथ हैं, याचिकाकर्ता के वकील हैं। प्रदीप जी, ये पूरा मामला क्या था? देखिए, ये 2016 में जो है स्कूली बच्चों ने एक याचिका दायर की थी कि उनके स्कूल में जो है बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हालत में है, जो खतरनाक भी डिक्लेयर कर चुकी थी सरकार खुद ही, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसमें बैठने को मजबूर थी। ना स्कूल में टीचर थे, ना ही फंक्शनल कोई टॉयलेट थी, ना पीने का पानी था, उस चीज़ के लिए वो आए थे। तो उसके बाद जो कोर्ट ने नोटिस किया तो सरकार ने कहा कि स्कूल में हम दे रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने जो है पूरे हरियाणा की स्थिति जाननी चाहिए, तो उसमें जो एफिडेविट है आप सबके सामने है कि जो स्थिति है जो लड़कियों के स्कूल की, 538 स्कूलों में जो टॉयलेट्स नहीं है, पीने का पानी नहीं है, 136 स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है, 236 स्कूलों के आसपास जो है, और लगभग 8,000 से ज़्यादा जो है कमरों की ज़रूरत है बैठने के लिए, यानी कि जो है स्टूडेंट्स जो हैं ओपनली बैठने को मजबूर हैं। और मैं आपको लीगल पोजीशन क्लियर कर दूं कि हमारे संविधान में जो है 2009 में जो है आर्टिकल 21A जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, उसके बाद जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है पार्लियामेंट ने पास किया था, जिसमें क्लियर है कि कितना रेशियो स्टूडेंट्स टीचर का होगा, बिल्डिंग होगी बैठने के लिए होगा, और बाउंड्री वॉल होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें एक्ट में ही लिखी हुई हैं, और जो 6 महीने के अंदर देनी थी सरकार ने, यानी कि 2009 में वो जो है लॉ पास हुआ था उसके 6 महीने के अंदर जो है पूरे भारत में सभी स्कूलों में देनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक भी ये हाल है कि अभी आज मेरे पास एक मैटर आ रहा है कि जो अभी शायद जो हफ्ते में उसकी सुनवाई होगी कि सिर्फ एक ही टीचर है जो 6ठी से लेकर 8वीं तक के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ एक ही टीचर है, वो भी गेस्ट फैकल्टी वाला। तो ये स्थिति है, ये हरियाणा का ही है? हरियाणा का ही है। तो अब जो है कोर्ट ने अगली तारीख 15 रखी है, और सरकार कह रही है कि हमने जो एफिडेविट था वो मई में दिया था, हम नया एफिडेविट दर्ज करेंगे, तो आपको लगता है कि इतने कम समय में चीज़ें बदल सकती हैं? नहीं, देखिए, इतने कम समय में ना तो जो है 8,000 स्कूल तैयार हो सकते हैं, ना ही जो है 538 स्कूलों में टॉयलेट्स की फैसिलिटी दी जा सकती है इतने टाइम का में जो है, क्योंकि मिड मई में वो आया था। तो उसके बावजूद जो सरकार है, हो सकता है कि अब जागी हो कोर्ट 5 लाख का जुर्माना झेलने के बाद जो है, तो शायद अब कुछ कार्रवाई हो, हम उम्मीद करते हैं जो है। तो ये थे प्रदीप रापड़िया जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार कह रही है कि मई में एफिडेविट दिया था, पुराना एफिडेविट था, वे कहते हैं कि इतने कम समय में ये सारी चीज़ें हो पाना नामुमकिन है, जो कमियाँ हैं, हालांकि सरकार हो सकता है अब जागी हो।